नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? हैप्पी होली पाशा लोगों। मेरे को पता था आप लोग बिजी हो गए है कि नहीं, तो मैंने सोचा कि आज शाम को पाशा लोगों को कुछ दो तीन चीजें बता दूं जिससे हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। जानेंगे हम इस वीडियो में है कि नहीं। तो आज शुरू करने से पहले कमेंट आपको पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये प्रूफ करना चाहती हूँ कि जो चीज आपको मैं बताती हूँ, वो कहते हैं ना, हवा में तीर नहीं मारनी कि चल भाई लग गया तो लग गया, सीधी बात है। अगर वाकई में इसको प्रॉपरली अगर कर दो ना किस्मतें रीराइट हो गई तो मेरा नाम बदल देना। चलो एक कमेंट पढ़ाती हूँ, ठीक है? हाँ जी, हैप्पी होली दी। मुझे एक बात, जरूरी बात बतानी थी। मेरे हस्बैंड से 3 मंथ से सेपरेशन में हूँ, पर कल रात होली वाला उपाय किया और वो सुबह आज मेरे साथ होली खेलने आए। मेरे बच्चे भी अपने पापा को देखकर बहुत खुश हुए। थैंक यू दी, हैप्पी होली। क्या समझे मेरी बात को, है ना? ये जो चीज़ें बताती हूँ ना, इतना दम है जो पत्री को चैलेंज कर जाए, सीधी सी बात है। हमने कल रात को, आई होप जो जो चीज़ें आपको बताई थी आपने करी होगी, है ना? अब मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ, अगर कर पाओ तो इसको कर लेना आज रात को ही, जब भी वीडियो मिलती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जो ना कर पाओ फिर मैं उसका सब्स्टिट्यूट भी बता देती हूँ कि कौन से दिन पे कर सकते हो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कई बार क्या होता है कि हमारी जो अड़चने हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, वो इतनी ज़्यादा एक झटके पे झटके झटके पे झटके अगर खा रहे हो, कहते ना ऐसे लगता है कि वो किस्मत ना बंद सी चुकी है ना, बहुत वो ऐसा ताला है जो ताले की चाबी नहीं मिल पा रही कि हमारी चीजें बदल तो जाए। एक अजीब सा वो कहते हैं ना रोक है। अगर तो ये सारी चीजें चल रही है, चाहे वो प्रोफेशनली हो, है ना, चाहे वो पर्सनली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, कुछ भी जो चीज़ आज आपको मैं बताने जा रही हूँ, इस चीज़ को अगर आज रात को 11 से 11:30 अगर कर पाए, है ना, अगर आज कर पाए, इसका मैं दूसरा दिन भी बताती हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही, जिनको बाद में वीडियो देखते हैं मिलती है तो वो कैसे करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। एक ना आपने ताला लेना है, कोई भी बाहर से जाकर, ताले की दुकानें तो खुली होंगी, दुकानें थोड़ा बंद हो जाती है, सीधी बात है। ताला लेना है, चाबी बंद है या खुली है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसको बोलना हमको ताला और चाबी दे दो, सीधी बात है। एक ताले चाबी का मैंने पहले भी उपाय बताया था, अगर आपको याद होगा, कितने जबरदस्त वे से काम किया था, है ना, वो जो सिरहाने रखना है, वो वाली चीज की बात नहीं कर रही, ये आज रात को करने वाली एक चीज आपको बता रही हूं। बस ताले वाले लॉक वाले से अपना एक ताला चाबी ले लो, बंद खुला है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, सीधी बात है। अब इसको क्या करना है, रात के समय इसको कहते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के, अगर तो रख पाओ तो चौराहे के पास जाकर रख के आ जाओ। ये एक ऐसी चीज है जो सच मान के चलना, जो सच मान के चलना जादुई वे से काम करेगा, जादुई वे से काम करेगा। इसको अगर आज जिनको लेट वीडियो मिली है, भैया अब हम नहीं कर सकते तो क्या करें, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, इसको फ्राइडे को फिर कर लेना। जिनका भी ये ऐसे सिचुएशन है, सेपरेशन में भी है, विवाह में भी बड़ी दिक्कत आ रही है, सेपरेट हो गए हैं और करना चाहते हैं, चीजें ठीक करना चाहते हैं पर हो नहीं पा रही, जबरदस्त वे से काम करेगा। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपको मैं एक बात बताती हूं, आप आज रात को देखो, ये जो टाइम होता है, समय होता है, ये वाकई में एक भारीपन भी लगता है, अजीब सा, आप समझे मेरी बात को। ये नहीं कि कुछ कर ले, वेले लोग थोड़ा बैठे हुए आपके ऊपर, बस करे जाएंगे, है कि नहीं, सीधी बात है। ये जो एक वातावरण होता है, जब सबकी ऊर्जाएं, कहते हैं ना एक तरह से, वो कई बार कहते हैं ना कुछ चीजें, कईयों का ऑरा ऐसे होता है, कईयों का मंगल वीक होता है, क्या मैंने बताया, अगर जैसे राहु अगर 12वें घर पे आ गया, एक होता है पित्त दोष, एक होता है प्रेत दोष, वो कुछ भी लग जाएगा। जिनका चौथे घर का राहु होता है उनको टोक बहुत जल्दी लगती है, फैक्ट है, सही बात है। क्या करना है रात को, एक जबरदस्त सी चीज आपको बताती हूँ, एक कोई भी कंडा ले लेना, उसके ऊपर गाय का उपला, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जला लो। काले तिल होते हैं, सीधी बात है, काले तिल आपको पता ही है, ठीक है, लौंग थोड़ी सी हो जाए तो बहुत जबरदस्त वाली बात है, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। काले तिल और घी मिलाकर उसकी
आहुति बना लो, मतलब उसकी सामग्री बना लो। अब 108 बार ओम किली किली स्वाहा एक आहुति, ओम किली किली स्वाहा दूसरी, ओम किली किली स्वाहा तीसरी, ओम किली किली स्वाहा चौथी, ऐसे करते करते 108 बार इसको अगर रात के समय, रात के समय उसके बाद जो इसकी वो होती है ना, जो मतलब क्या कहते हैं विभूति जो बन जाती है, जो उसके बाद में जब वो अग्नि क्या कहते हैं पूरी हो जाती है ना, उसके बाद जो होता है ये सारा इकट्ठा करके अपने थोड़ी सी ना घर की मिट्टी लेकर एक काले कलर के कपड़े में या किसी भी कलर के कपड़े में, बस लाल ना हो, सीधी बात है ना, कोशिश तो करके कोई भी काले कलर का हैंकी होगा, कुछ हो गया, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, वो काले कलर का अपने कपड़ा बिछा दिया, ये सारा जो था उसकी सामग्री है ना जो पूरी हो गई थी, फिर हम लोग फिर क्या करें उस चीज़ का, आपने वो चीज़ जो होती है काले कपड़े में बांध कर अपने घर की थोड़ी सी मिट्टी लेकर, और आपने अपने पूरे शरीर पर जो नींबू होता है झसके अच्छे से, जितने घर के मेंबर है पूरे बॉडी पे नींबू झसके, ये उसमें बांध के इसको या तो बाहर कहीं वीराने में छोड़ के आ जाओ, अगर कर पाओगे तो कोई गड्ढे में दबा दो। दो चीज आपको मैंने बताई है, ये सच मान के चलना, ये सच इस फैक्ट मान के चलना, ऐसे पता चलती है कुछ चीजें, ये बोलने वाली बात नहीं, ये तो देख ही रहे हो, ये तो कुछ लोगों का आधे घंटे में पता चलता है, दो घंटे में पता चलता है, 6 महीने में भी पता चलता होगा, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये जो चीजें आप कर रहे हो और मैं आपसे करवा रही हूं, ये तो आपको पता चल ही रहा होगा, ये नॉर्मल चीजें नहीं है, है ना, कि जी कोई बात नहीं बस तीर मार दिया, ये ऐसे करो तो वैसे हो जाएगा, फैक्ट मान के चलना। जब ऐसे मैसेजेस देखती हूँ ना, मेरे को और मोटिवेशन मिलती है कि चीजें बहुत है, कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी जो है एक बहुत बड़ा ओशन है, उसको जितना समझोगे जितना सीखोगे, हम लोग ना कि सिर्फ मटीरियलिस्टिकली है ना, है कि नहीं पैसा 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 तो है ही है भैया, बहुत जरूरी है, सीधी बात है, ये आपको स्पिरिचुअली कहते हैं ना, वो भी उससे आप ग्रो होगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिचनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आज ये थोड़ा कम हो गया तो रिचनेस खत्म नहीं होनी चाहिए, वो तो ऐसी चीज है कि खुद पे खुद चीजें बनेंगी, फैक्ट है ये, सीधी बात है, ठीक है पाशा लोगो, ये दो चीजें बताई है, जबरदस्त है, इस चीज को कर लो। मैग्निफाइड हीलिंग की जो क्लास है अप्रैल वाला बैच है, अपने चक्रास को हील करो, अपने पास्ट लाइफ को हील करो, अपने पास्ट रिलेशनशिप को हील करो, क्योंकि यही रिलेशनशिप अगर हमारे कहते हैं ना वो जो कॉर्ड है हमारी कट नहीं होती, वो हम बैलेंस में नहीं आते, वो पेन हमारे को साइकिल के रूप में देखने को मिलती है, हमारे डीएनए को हील करती है, हमारे मस्तिष्क को हील करती है, इट इज ब्यूटिफुल। एक बार मेरी बात मान के सीखो, जो असली चीज है, जो असली पावर है वो सीखो, इधर उधर भटकने के बजाय कहीं से भी सीखो, ये भी कोई बात नहीं, कहीं से भी सीखो, मैग्निफाइड हीलिंग वर्क्स एज मैजिक। बाकी एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स रजिस्ट्रेशन ऑन है, व्हाट्सएप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती, लाल किताब रेमेडीज व्हाट्सएप करना रजिस्ट्रेशन के लिए, मैं सच्ची कॉल नहीं उठा पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।